भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जा रहा हूँ वांचाई में, वांचाई में अमर मॉस के पास। मैं हूँ वांचाई हांगकांग में। शुक्रिया। तो मैं हूँ वांचाई में और जा रहा हूँ अमर मॉस। यहाँ पे हांगकांग में जो है और एक मस्जिद है जिसका नाम है अमर मॉस और वो है वांचाई में। तो गाइज, आपको अमर मॉस आना है तो आप जो है वांचाई स्टेशन से भी आ सकते हैं और कैसवे बे से भी आ सकते हो। तो इसके दरमियान में है ये, और उसके बाद आप गूगल मैप से भी आराम से आ सकते हो। मैंने भी गूगल मैप यूज़ किया है और मैं करीब पहुंच चुका हूं अमर मॉस के, जो के वांचाई में है। तो ये भी एक खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे, और ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और बहुत ही रश है। यहाँ पर भी मैं पहली बार आ रहा हूँ अमर मॉस्क में, पहले आया नहीं। तो अब तक आपने देखा कॉलन मॉस्क, जामिया मॉस्क और छायवान की मॉस्क, और ये है अभी जा रहे हैं अमर मॉस्क। तो ये पूरे मैंने डिस्कवर किए हैं, जो जो भी इस्लाम से रिलेटेड है, मस्जिद हो या स्कूल हो या मरकज जो भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताने की। मैं हूँ वांचाई हांगकांग में और जा रहा हूँ अमर मॉस्क, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है आज इफ्तार भी मैं वहीं पे करूँगा। पे छोटी सी नैरो रोड है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक? तो हांगकांग में जो है मैं और एक मस्जिद फाइंड आउट किया हूँ जिसका नाम है मस्जिद अमर एंड उस्मान रमजू सादिक इस्लामिक सेंटर, ठीक है। ये है वांचाई में, हांगकांग में, और मैं यहाँ पे इसके अपोजिट में ठहरा हूँ। तो आज मैं यहाँ पे देखूँगा, अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है इफ्तार का, इंशाल्लाह इफ्तार यहाँ पे करूँगा मैं, ठीक है। तो अब तक कॉलून का मस्जिद का आपने वीडियो देखा और जामिया मस्जिद का जो है शैली रोड पे वो देखा है। अभी मैं हूँ वांचाई में, हांगकांग में, और मस्जिद अमर के पास में। तो यहाँ पर मस्जिद है और इस्लामिक सेंटर भी है। यहाँ पर क्या क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जो भी लोग हांगकांग की मस्जिदों को पसंद करते हैं और जो आ नहीं सकते वो घर बैठे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाहर से जो है आपको कुछ ऐसे लगेगा, तो बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है, बड़ी है माशाल्लाह। तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके से है। तो चलिए अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे और ये जो है वांचाई में, यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ओपनिंग जो भी है, ओपनिंग आवर्स फॉर प्रेयर, यहाँ पे डिटेल है। और यहाँ पे 40 OI क्वान रोड पे है ये, ठीक है भाई। तो सिंपल एड्रेस है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, हरी भरी। तो चलिए अंदर चलते हैं। कुछ इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मस्जिद का एंट्रेंस में से, यहाँ पे है रमज़ान मुबारक और माशाल्लाह। और ये वाली शैली भी हम जा चुके हैं, वो आई थिंक स्टैनली की है, वो हम लास्ट में जाएंगे। और एंट्रेंस में यहाँ पे चाइनीज़ में भी आपको पूरा डिटेल है, अरबिक में भी है और इंग्लिश में भी है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर एक साहब बैठे हैं, साहब से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जो है भाई मक्के का जो है डिज़ाइन बना हुआ है, और खूबसूरत झूमर भी है माशाल्लाह, हरे भरे झाड़ भी है। और हमारे एक भाई भी यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद नवाज साहब। मोहम्मद नवाज साहब, आप कहाँ से हैं नवाज साहब? मैं अटक से हूँ जी, अटक से, पाकिस्तान से माशाल्लाह। दूसरे इधर ये ऊपर काफी साहब बैठे हैं, अच्छा वो भी अटक से हैं। अच्छा, पूरे वही अटक से तकरीबन अटक के ज़्यादा लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इंशाल्लाह थोड़ा अंदर जाऊँगा, देखूँगा कैसा अच्छा, क्या है। और यहाँ पे इफ्तार भी यहाँ पे खोलूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। तो जैसे आप यहाँ से, ये एंट्रेंस था, तो ये एंट्रेंस से आप जैसे ऊपर आते हो यहाँ से, यहाँ पे वज़ू खाना कुछ इस तरीके से है। तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। वज़ू करने के बाद आप सीधा जो है
ऊपर जा सकते हो सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जो है मेंस है, थर्ड फ्लोर पे लेडीज़ है। तो हम जा रहे हैं अभी सेकंड फ्लोर पे। और जो बुज़ुर्ग है, जो चलने फिरने के लिए मुश्किल होती है, उनके लिए लिफ्ट का भी इंतज़ाम है। और यह है अमर मॉस्क वन चाई हॉन्गकॉन्ग में। यहाँ पे स्लीपर्स आपके रख के आप जाइए अंदर। चलिए हम भी रख दिए हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये है यहाँ पे ये बने हुए टेबल। जो भी जिसको भी कमर या घुटने में दर्द है वो बैठ के यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखिए यहाँ पे प्रेयर टाइम टेबल भी लगा हुआ है। और जो है ये खूबसूरत मस्जिद है अमर मॉस्क वन चाई हॉन्गकॉन्ग में। मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं हॉन्गकॉन्ग में। और नीचे लाल कारपेट है खूबसूरत। और यहाँ पे ये आयत लिखी हुई है, ये भी यहाँ पे डिजिटल क्लॉक लगी हुई है जो अक्सर मस्जिदों में है। पर कल मालिका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह टाइम टेबल। और जो है यहाँ पे असर है 5:10 को। अभी वक्त हुआ है 3 बज रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है अभी। उसके बाद मगरिब होगी 6:49, ईशा 8:10 की है। तो यहाँ पे बहुत ही नीट क्लीन खूबसूरत है मस्जिद माशाल्लाह। यहाँ भाई बैठ के जो है पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए ये है मस्जिद माशाल्लाह। ये भी मिंबर बना हुआ है एल्युमिनियम का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ऊपर झूमर भी लगा हुआ है, अभी शाम में खोलेंगे लाइट। और एक भाई बैठ के तिलावत कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी जो है अरबी में लिखे हुए आए थे। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। एक भाई बैठ गया तिलावत भी कर रहे हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखती है मस्जिद। सेंट्रलाइज्ड एसी भी है पूरा। ऊपर इंतज़ाम जो है लेडीज़ का है, तो यहाँ पे पूरा जेंट्स के लिए काफ़ी। आई थिंक ये बहुत पुरानी मस्जिद है। बाहर से जो आप देख रहे थे, मैं जब शूट कर रहा था तो बाहर से कुछ ऐसे लग रहा था जाली। और जो है यहाँ पे भी है, देखो भाई और ये बाहर का रास्ता भी है। यहाँ से यहाँ से बाहर का कुछ दिखता भी इधर से, यहाँ से ऊपर से नीचे दिखता है कुछ ऐसे। यहाँ पे जो दो भाई हैं जो अरबी की तिलावत कर रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी पाकिस्तान से हैं एक्चुअली। إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب كوابا وكسبا وكعقا لا يسمعون فيها الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما كان يدعو ويقول الكافر يا ليتني
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات صفقا. ये भाई जो है बिना देखे पढ़ रहे हैं, ये भाई जो है करेक्शन कर रहे हैं भाई। هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن جرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر ابھی یہ سر کی اذان ہوئی تھی اور پھر ہم نے سر کی نماز پڑھ لی ابھی اور ابھی جو ہے افطار کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ کچھ باقی ہوئی تو یہاں پہ افطار کر کے ہم نے نماز پڑھ کے انشاء اللہ دیکھیں گے یہاں پہ اسلامی سینٹر کینٹین یہ بھی کچن ہے یہاں پر آپ کا نام راشد بھائی کہاں سے راشد بھائی میں پاکستان کراچی سے پاکستان یہ بھی کچن ہے
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.